नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। नवंबर 2019 का वो काला दिन जिसने दुनिया भर की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। ग्रहण ऐसा था कि एक के बाद एक लाशें बिछती चली गई और शमशान भरते चले गए और चिताओं की तपिश में इंसान इतना नर्वस हो गया कि जनमानस की भीड़ ने अपने आप को दूर करता चला गया। ये खौफ था उस अदृश्य दुश्मन का जो नजरों के सामने घूमता तो जरूर था पर दिखता नहीं था। ये कब किसको आगोश में ले ले समझ पाना बड़ा मुश्किल था। जो सड़कें कभी इंसानी जिंदगी से जगमग रहती थी उन्हें इस खौफ के मंजर ने सुनसान कर दिया। हम बात इसी कोरोना वायरस की कर रहे हैं जिसके सामने सरकार भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई थी और इंसान के चेहरे पर मास्क हावी हो गया। ये वो दिन था जिस दिन दुनिया में पहला कोविड केस रिपोर्ट किया गया था और इसके बाद से जो मंजर है वो आप, मैं और हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता था। पर बदकिस्मती से हम सब ने वो मंजर देखा जहां एक और देश में कोविड महामारी के चलते कई लोगों ने जान गंवा दी, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई माँ बाप ने अपने लाडलों को खो दिया, कई सुहागनों के सर का सिंदूर मिट गया और कई घर ऐसे हैं जिनके आंगन से कल तक पायले खनकने की आवाज आती थी पर आज वो आंगन सुनसान है। वही हो रही मौतों को लेकर सरकारों की नाकामी ना समझ ले इसीलिए देश भर के कई राज्यों की सरकार अपना काम करने की बजाय मौत के आंकड़े छिपाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं जहां सरकार के द्वारा बताए गए मौत के आंकड़े झूठे साबित हुए। ये सच्चाई तब सामने आई जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने आंकड़ों को संशोधन किया। आपको बता दें कि बिहार की सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कोरोना से गई लोगों की जान उनके हिसाब से 5000 से ज्यादा बताया गया था। वहीं जब हाईकोर्ट के मामले में दखल देने के बाद जब दोबारा संशोधन किया गया तो पता चला कि असल में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 9000 से ज्यादा थी। बिहार सरकार की ओर से कोरोना से हुई मौतों के संशोधित आंकड़े जारी किए जाने की घटना पर हाईकोर्ट ने भी हैरानी जताई है। शुक्रवार को हुई इस सुनवाई पर चीफ जस्टिस संजय करोल ने कहा कि अगर हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता तो कभी पता नहीं चल पाता कि कोरोना संक्रमण से बिहार में कितने लोगों की जान गई। वहीं इस मामले में अब बिहार की नीतीश सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था लेकिन हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। शुक्रवार को इस पूरे मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट ललित किशोर ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा था मगर कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और कहा कि मामला क्योंकि असाधारण है इसीलिए इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। हालांकि अब इस मामले पर क्या होता है ये तो अगली सुनवाई में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।